परिवर्तन रैली में गरजे मोदी, ममता बनर्जी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जनधन खाता धारकों को किया आगाह और शरद पवार ने मोदी को दी विदेश जाने की नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्षी पार्टियों पर हल्ला बोला है। कांग्रेस की सरकार और तृणमूल कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए मोदी ने कहा, मुझे कटघरे में खड़ा करने वाले लोग पहले खुद को देखें। आगरा की परिवर्तन रैली में मोदी ने कहा कि नोटबंदी से चिटफंड घोटाले में लिप्त नेताओं की कमर टूट गई है। मैं जानता हूं कि किस तरह के लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन क्या देश को पता है कि चिटफंड कारोबार में किनके पैसे निवेश किए गए थे जो नेताओं की कृपा से गायब हो गए। चिटफंड से हुए नुकसान के कारण सैकड़ों परिवार के मुखिया को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने इस भाषण में भले ही मोदी ने किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन जिस अंदाज में मोदी ने चिटफंड घोटालों का जिक्र किया, उससे साफ होता है कि उनका इशारा तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की तरफ था, जो कि इन दिनों नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विपक्षी नेताओं को लामबंद करने में जुटी हैं, जबकि चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आरोप भी लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में बनी सरकारें सिर्फ कुर्सी की राजनीति में लगी रही, सत्ता खोने के डर से सब काले धन पर मौन रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जनधन खाता धारकों को आगाह किया कि वे अमीरों के गलत तरीके से कमाए गए काले पैसों को सफेद करने के लिए अपना इस्तेमाल न होने दें, क्योंकि ऐसा करने से वे गैर जरूरी तरीके से कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों पर एक के बाद एक लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नोटबंदी पर राजग सरकार की कड़ी आलोचना की है। पवार ने 98,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना के मुद्दे पर भी मोदी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पवार ने कहा, यह सरकार उन लाखों लोगों के लिए फिक्रमंद नहीं है जो लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के लिए 98,000 करोड़ रुपए की ट्रेन परियोजनाएं चलाई जा सकती थी, लेकिन मोदी को अहमदाबाद जाने की जल्दी लगती है। वहीं नोटबंदी पर पवार ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी तकलीफ में है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कालाधन वालों की नींद उड़ गई है। वहीं नकली नोट पर बात करते हुए पवार ने कहा कि सिर्फ 28% नोट ही नकली है, लेकिन इसके पीछे 86% नोट बंद कर दिए गए। तिल मिलाए पवार ने मोदी को विदेश चले जाने और भारत के वैश्विक मुद्दों को सुलझाने की भी नसीहत दी।